23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और उसका रूट। 23 का स्क्वायर कितना होता है 5, 29 प्लस 1 44, 3 7 6 673 का रूट। वो आता है 25.9 मीटर्स पर सेकेंड। ये निकालना आता है नहीं आता है? ये रूट 673 का रूट कैसे निकालेंगे? आता है पक्का? चलो सबको आता है ना ये रूट निकालना, 673 का कैसे निकालना है? और किसे नहीं आता? नहीं आता? ओके ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, 673 का रूट बता देता हूँ, उसके बाद ये पूरा नोट कर लेना। जब भी हमें रूट निकालना होगा, जैसे यहाँ पे 673 का निकालना है, तो हम यहाँ पे दो दो के पेयर बनाते हैं, डिवीजन मेथड बोलते हैं इसे। यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने बट एंड से, मतलब राइट से दो दो के पेयर बनाने, ठीक है? उसके बाद ये एक बचा तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, उसे एक ही रखना। अब डिवीजन करना है, डिवीजन करने में बस ये ध्यान रखना है कि जनरली जब हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे जो भी है उसको हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे तुम जो भी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ 3 लिया तो मुझे यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 9, वो 9 6 से बड़ा है इसीलिए वो नहीं लेंगे, तो क्या लें हम 2, ठीक है? अब यहाँ जो भी तुमने लिया है डिजिट, उस डिजिट को यहाँ पे लिखो क्या हो गया ये, और उसे ऐड कर दो 4। और इसके बाद जब तुम डिवीजन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऊपर से जो भी बचा उसे नीचे उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हम पेयर को उतारेंगे, तो पूरा का पूरा ये 73 नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे वापस जो भी डिजिट लिखोगे यहाँ पे तुम्हें वही डिजिट लिखना पड़ेगा और इस पूरे नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 41 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा और मुझे 41 इंटू 1 करना पड़ेगा, जो भी नया डिजिट मैं ले रहा हूँ उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 41 लिखता हूँ तो 41 इंटू 1, तो ऑब्वियसली वो इससे बहुत छोटा आ जाएगा। 42 लिखता हूँ तो 42 इंटू 2 84, वो भी इससे बहुत छोटा है। साफ मुझे दिख रहा है ये 27 है, 4 6 या 24 होता है, 4 6 या 24 होता है, तो क्या ये उसमें हो सकता है? तो यहीं पे तुम्हें पता पड़ जाएगा 46 इंटू 6 करना पड़ेगा तुम्हें, तो वैसा करने से 6 6 या 36 3 कैरी, 4 6 या 24 प्लस 3 276, इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा रह गया वो, तो हम 46 भी नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे यहाँ पे 5, और जो भी लिया है यहाँ पे डिजिट नया उसी डिजिट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में वही डिजिट यहाँ पे हम ऐड करेंगे। सो 45 इंटू 5 पहले करो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 25। अब हमें जो भी आएगा 45 से कम आएगा, एक्चुअली वो 38 आना चाहिए, सॉरी हाँ 225 है, कुछ और है, 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, हाँ सो 313 माइनस 5 8, 48 आएगा। उसके बाद वापस यहाँ पे आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब डॉट, उसके आगे 2 0 है, तो अब तुम वो 2 0 हमेशा क्या बोला मैंने पेयर में ले लें, यहाँ पे आ गया 50। आगे क्या लें, 5 9 ज़ा 45 होता है, तो 9 लेंगे, 9 into 9 81, 5 9 ज़ा 45, उससे कम है, तो अप्रॉक्सीमेटली है 25.9